ओम शांति। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? अपना ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य कितना याद रहने लगा है? जितना स्मृति में रहेगा उतना ही स्थिति में भी आएगा। अव्यक्त पाठ्यक्रम के द्वारा ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम दिन में बहुत बार अब अपने लक्ष्य को याद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देखेंगे अभी और भी स्मृति को पक्का करने की आवश्यकता है। जितना स्मृति बढ़ती जाएगी उतना ही स्थिति पर कार्य होता रहेगा। पुरुषार्थ की गति कम होने का कारण ही है विस्मृति। संगम हमें क्यों मिला है उसको जब हम साधारण इंसान बनकर भूल जाते हैं, पुराने संस्कारों के अनुसार भूल जाते हैं, तो स्मृति दिलाने से फिर वो पक्का हो जाता है। अच्छा, एक प्रश्न है, कौन सा गुण सबसे पहले सबसे ज्यादा चाहिए? फरिश्ता बनने की बात हो या फिर कोई और कार्य भी हो, तो कौन सा गुण चाहिए? खासकर फरिश्ता बनने में आप बताएं। कौन सा गुण? दृढ़ता का गुण, स्नेह का गुण, संतुष्टता का गुण, पवित्रता, चुप रहना, जी बीच में आया जवाब, धैर्यता का गुण। अंतर्मुखता गुण चाहिए, लेकिन क्योंकि लंबे समय से बुद्धि को बाहर मुखी होने की आदत है, तो अगर वो नहीं हो रही, जैसे बीच बीच में कहीं लिखते हैं कि बैठ नहीं पा रहे हैं, हो नहीं पा रहा है, तो धैर्य रखना है, धीरज लेकर चलना पड़ेगा। धीरज का मतलब धीरे चलने से नहीं है, धीरज का मतलब संस्कार यदि हमारे अनुसार नहीं चलते हैं 63 जन्मों के, हमें लगे रहना है। धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे।
तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे। हिम्मत नहीं हारनी है, धीरज रखना है। ऊपर नीचे होता है तो बाबा देखो ये सब गीत चलाता था, तुम्हें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। फिर बाबा गीत चलाता था, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ये सब धैर्य के गुण थे। अगर धैर्य नहीं तो अंतर्मुखी भी नहीं हो पाएंगे। एक दो दिन का मौन तो रख सकते हैं, पर वो संस्कार पड़ा हुआ है बोलने का, और अब हम तो और भी गहरी अंतर्मुखता की ओर जा रहे हैं। अब तो संकल्पों की भी अंतर्मुखता की ओर जा रहे हैं। मुख की अंतर्मुखता रखना फिर भी आसान होता है, लेकिन मन की अंतर्मुखता, ये मन ही कहीं जाए ना, तो इसमें दिल शिकस्त नहीं होना किसी को, ना ही किसी ने हिम्मतहीन नहीं होना, और धैर्य रखकर चलना है। हो नहीं रहा, हो नहीं रहा ये सोचने की बजाय होगा ही, होना ही है, करना ही है, फरिश्ता बनना ही है, तो दृढ़ संकल्प, यहां दृढ़ता का गुण आएगा। अंतर्मुखी होना ही है, फिर हर संकल्प में दृढ़ता, सभी गुण एक दूसरे के मित्र हैं, परंतु धैर्यता से दृढ़ता, दृढ़ता और धैर्य वैसे शक्ति के ही डिपार्टमेंट हैं। शक्ति के स्वरूप से ही पैदा होता है धैर्य, धैर्य शांति से भी पैदा होता है। तो हमें धैर्य रखना है, धीरज से चलना है, पर रुकना नहीं है। चाहे ऊपर नीचे करे मन, कुछ भी करे, अब हमें अंतिम मंजिल प्राप्त करनी ही है। तो इसके लिए चिंतन कीजिए, क्या क्या हमें त्याग करना है। अभी आत्मा बनकर के चिंतन कीजिए, क्योंकि अब सब कुछ त्यागना है। दूर और सूक्ष्म त्याग बहुत से करने हैं, वो तो क्या क्या त्यागना है, कैसे त्यागना है, तो इस पर चिंतन कीजिए, ताकि मैं आत्मा मुक्त होती चलूं। मुझे फरिश्ता बनना है, तो अब मेरी प्लानिंग फरिश्ता बनने की तरफ ज्यादा चलनी चाहिए। तो ये चिंतन अपना जारी रखें। अभी हम बाबा की कल की ही वाणी, जो बीच में थोड़ा ही की थी हमने, तो आज उसका अगला पार्ट हम करते हैं। स्थिर हो जाए, अभी अव्यक्त होकर के सुनना है। अभी चैट बंद कर दें, चैट से हाथ हटा दें। बिल्कुल सुनिए भगवान क्या कह रहा। अभी सर्विस के निमित्त हैं, सब कुछ भूले हुए बैठे हैं, उस अव्यक्त स्थिति में मन और तन
व्यक्त देश में है, ऐसे अनुभव होता है उस अव्यक्त स्थिति में मन, इस विधि से है, उस अव्यक्त स्थिति में मन और तन व्यक्त, भले शरीर यहां पर है पर मन जो है अव्यक्त देश में। 26 जनवरी 1970, 26 जनवरी 1970 की पानी है। वाणी पूरी की हमने कल शायद, क्या नहीं? इसमें कुछ महावाक्य शेष थे। कितनी बार बाप दादा से मिले हो, कितनी बार बाप दादा से मिले हो, यह स्मृति में है कि अनेक बार, यह जन्म सिद्ध अधिकार मिला है। कितना बड़ा अधिकार है जो कई प्रयत्नों से भी नहीं प्राप्त हो सकता, यह सहज ही प्राप्त हो रहा है, ऐसा अनुभव किया है स्वयं भगवान धरती पर आकर, स्वयं अपनी महत्वता बता रहा है कि तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या मिला है। सिर्फ मुख से कहकर थोड़ी सी खुशी बटोर लेना वो न्याय नहीं है ईश्वरीय महावाक्य के साथ। थोड़ा भी बोलने से खुशी होगी मुझे भगवान मिला है, थोड़ा भी चैट पर लिखने से खुशी होगी मुझे भगवान मिला है, थोड़ा भी ये बोलने से कि मुझे भगवान मिला है खुशी होगी। लेकिन इतना बड़ा अधिकार है, ये अधिकार महसूस करना है कि मुझे क्या मिला है, फील करना है इसको। समय बाकी कितना है और पुरुषार्थ क्या किया है, समय बाकी कितना है और पुरुषार्थ क्या किया है, दोनों की परख है। देखिए बोला नहीं जा रहा फिर भी चैट पर लिख रहे हैं, ये व्यक्त स्थिति है, इसका मतलब ध्यान से सुन नहीं रहे, अव्यक्त होकर नहीं सुन रहे हैं। चैट की तरफ ध्यान जाना भी व्यक्त है बिना पूछे हुए। सूक्ष्म बातों को समझने का प्रयास कीजिए। बात चल रही है भगवान के खजानों को महसूस करने की, सारी कर्मेंद्रियां ठंडी होकर के मन और बुद्धि केवल महसूसता में लग जाना चाहिए। इतना बहुमूल्य ईश्वरीय महावाक्य सुन रहे हैं कि हे आत्मा क्या तू जानती है कि तुझे कितना बड़ा अधिकार मिला है जो कई प्रयत्नों से भी प्राप्त नहीं हो सकता, तुम्हें कितना सहज प्राप्त हो गया है। फिर बाबा ने प्रश्न किया, समय बाकी कितना है और पुरुषार्थ क्या किया है,
दोनों की परख है। फिर भगवान पूछ रहा है कि समय कितना है, इसको भी अच्छी तरह से चिंतन करना है। अच्छी तरह से चिंतन करना है, समय कितना बाकी है, सिर्फ बोल देना नहीं। अभी हम बोलने से आगे महसूस करने की तरफ जा रहे हैं। कई बार बोल करके हम उस बात की महसूसता को कवर कर देते हैं। केवल जब आवश्यक हो तभी बोलना चाहिए, जब दृढ़ संकल्प लेना हो तब बोलना चाहिए, वरना उसे चिंतन करके अंदर घोटना चाहिए, अंदर पीना चाहिए उसे। मुझे भगवान मिला है, मुझे भगवान मिला है। अभी हम 5 बार बोल दें, किसी का दिल करेगा पटाख से चैट पर लिखने लगेगा, अंदर नहीं हजम किया, मुझे भगवान मिला है, मुझे भगवान मिला है, मुझे इतना बड़ा अधिकार मिला है। देखो वही महावाक्य महसूसता बन जाएगा। समय कितना बाकी है महसूस कीजिए। महसूस कीजिए 52 वर्ष पहले ये महावाक्य कह दिए गए थे। समय कितना बाकी है, समय कितना बाकी है, और पुरुषार्थ कितना करना है महसूस करो। समय कम है और पुरुषार्थ ज्यादा है, महसूस करो।
समय बहुत कम है, पुरुषार्थ बहुत करना है। जब कोई स्टूडेंट लास्ट टाइम पर आकर दाखिल होते हैं तो वह थोड़े समय में कितनी मेहनत करते हैं। जब कोई स्टूडेंट लास्ट टाइम में दाखिल होते हैं तो थोड़े समय में कितनी मेहनत करते हैं। जितना समय तेज जा रहा है इतना तेज पुरुषार्थ है। जितना समय तेज जा रहा है क्या इतना तेज पुरुषार्थ है। फील करते चलें, अभी उत्तर कुछ नहीं देना है, मन को उत्तर दो, दिल को फील होना चाहिए। अभी सिर्फ ऊपर से बोलकर राजी नहीं होंगे हम, अपने मन को सत्य का पाठ पढ़ाएंगे, सत्य को मन से छुपाएंगे नहीं। चेक कीजिए समय कितना तेज जा रहा है। देखते देखते पिछले 10-15 वर्ष में कितना परिवर्तन आ गया, सभ्यता बदल गई, बोल चाल व्यवहार स्वभाव आपसी प्यार सब कुछ बदल गया। बाबा ने कहा कब शब्द निकाल देना चाहिए, जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वह कब शब्द नहीं बोलते, अब बोलेंगे, अब से करेंगे। यह संगम का समय 1 सेकंड भी कितना बड़ा मूल्यवान है। फील कीजिए अब दोबारा से, 1 सेकंड की वैल्यू। जब आपकी कोई ट्रेन छूट रही होती है तो उस वक्त पता चलता है कि 1 मिनट या 1 सेकंड की वैल्यू क्या है। एक ट्रेन के समय 1 मिनट की वैल्यू पता लगती है, हो सकता है मिनट पहले ट्रेन छूट जाए, लेकिन कोई एक्सीडेंट अचानक बच जाता है या अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, 1 सेकंड की ही बात है। जब अचानक 1 सेकंड से बच गए तो पता लगता है 1 सेकंड की कीमत क्या होती है। संगम का 1-1 सेकंड है मेरे मन, बहुत कीमती है। भगवान मिला है, तुम्हारा 1-1 सेकंड बहुत कीमती है। दुनिया के किसी VIP का 1 सेकंड इतना कीमती नहीं जितना हमारा कीमती है। अपने मन को सिर्फ इस बात को समझो नहीं,
इस बात को अपने मन को सिखाओ, मन को पढ़ाओ, है मेरे मन, एक सेकंड वेस्ट नहीं करना है। जाने दीजिए ज्ञान को अंदर, भीतर उतरने दीजिए ज्ञान को, बाहर की कोई एक्टिविटी नहीं, ज्ञान को दिल में उतरने दीजिए। वर्षों की कीमत नहीं जानी हमने, महीनों की कीमत नहीं जानी, सेकंड की कीमत जानिए, सेकंड में परिवर्तन होगा। अब सभी को ये सिखाएंगे हम। एक सेकंड व्यर्थ गया तो कितनी कमाई व्यर्थ जाएगी, पूरे कल्प की तकदीर बनाने का थोड़ा सा समय है, एक सेकंड पद्मों की कमाई करने वाला भी है और एक सेकंड पद्मों की कमाई गंवाता है। ऐसे समय को परख करके फिर पांव तेज करो। समस्याएं तो बनती रहेंगी, स्थिति इतनी पावरफुल है हो जो परिस्थितियां स्थिति से बदल जाएं, परिस्थिति के आधार पर स्थिति ना हो, स्थिति परिस्थिति को बदल सकती है, क्योंकि सर्वशक्तिवान की संतान हो तो क्या ईश्वरीय शक्ति परिस्थिति नहीं बदल सकती? भगवान मिला है, सर्वशक्तिवान मिला है, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है मुझे। सभी चेक करेंगे मेरे दिन में कितने सेकंड वेस्ट होते हैं। सच्चाई से चेक करो, लिखना नहीं है, अंदर चेक करो कितने सेकंड वेस्ट होते हैं। आज सेकंड की वैल्यू मन को सिखा दो। एक सेकंड बहुत कीमती है, मन के भीतर ये बात जाएगी फिर मन समय गंवाना बंद कर देगा। सर्वशक्तिवान की संतान हो क्या ईश्वरीय शक्ति परिस्थिति नहीं बदल सकती? रचयिता के बच्चे रचना को नहीं बदल सकते? रचना पावरफुल होती है व रचयिता, रचयिता के बच्चे रचना के अधीन कैसे होंगे? अधिकार रखना है न कि अधीन होना है। फील करो, फील कीजिए, ईश्वरीय महावाक्यों को भीतर लेके जाइए। बहुत अच्छा है, अब चैट की तरफ नहीं भाग रहे, बहुत अच्छा है, भीतर लेके जाइए ईश्वरीय महावाक्यों। मैं अधीन नहीं हो सकती, मैं ईश्वरीय संतान हूं, मैं अधीन नहीं हो सकती। फील कीजिए इसको, मैं अधीन नहीं हो सकती, मैं अधीन नहीं हो सकती, मैं ईश्वरीय संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं अधीन नहीं हो सकती, मैं अधीन नहीं हो सकती।
जितना अधिकार रखेंगे उतना परिस्थितियां बदल जाएंगी। अधिकार रखिए, भगवान के बच्चे हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान हूं और मेरा हाथ भगवान के हाथ में है, फील कीजिए। मेरा हाथ भगवान के हाथ में है, फील कीजिए। और ये भी फील कीजिए, जिसका हाथ भगवान के हाथ में हो उसके सामने चाहे सारा विश्व, चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, हिमालय के समान परिस्थिति आ जाए, हिमालय को मत देखो, परिस्थिति साथी को देखो, हाथ किसके हाथ में है। अगर हाथ में हाथ है तो करंट आनी चाहिए, करंट आनी चाहिए। अगर हाथ सही से नहीं दिया तो करंट महसूस नहीं होगी, सर्वशक्तियां प्रवाहित नहीं होंगी। भले ही ये स्थूल हाथ से अभ्यास करा रहे हैं, पर मन का हाथ ऐसे उसको दिया हुआ है, मन बुद्धि का हाथ उसे दिया हुआ है, करंट आ रही है और हाथ उसने तो पक्का पकड़ा हुआ है। दे दिया मैंने, उसके हाथ में दे दिया, मैंने नहीं पकड़ा कि मर्जी से छोड़ दूं, उसके हाथ में दे दिया कि तेरी मर्जी पे छोड़ दिया। मैं मर्जी से छोड़ दूं नहीं, तेरी मर्जी पे छोड़ दिया। हील करके देखो, फील करके देखो, अपार शक्ति फील होनी चाहिए, अपार। कोई नहीं हमारे सामने, कोई परिस्थिति नहीं हमारे सामने, ये फील करना है, सिर्फ भाषण नहीं करना है, सिर्फ चैट नहीं भर देनी है, सिर्फ मुंह से नहीं बोल देना है, फील करना है। अपार शक्ति फील होनी चाहिए, वो मेरा साथी है, मैंने हाथ उसको दे दिया, अब मेरे सामने कौन सी माया है, कोई टिक नहीं सकता, कोई मुझे डगमग कर नहीं सकता, मैं चिंतित हो नहीं सकती, जब हाथ भगवान को दे दिया, जब सब कुछ उसको सौंप दी। तो मेरा सोचना क्या रह गया, मेरा सोचने का काम क्या रह गया, फील करो इसको। बाबा ने कहा, एक छोटी सी अगरबत्ती खुशबू की चीज भी वायुमंडल को बदल दे। छोटी सी अगरबत्ती वायुमंडल को बदल दे, तो क्या ज्ञान की शक्ति
वायुमंडल को नहीं बदल सकती। ध्यान रखना है वायुमंडल को सदैव शुद्ध रखना है। लोग क्या भी बोलें, जिस बात में अपनी लगन नहीं होती है वह सुनते हुए भी जैसे नहीं सुनते। तन भले वहां है पर मन वहां नहीं होता। तन से साथ देना पड़ता है लौकिक में, लेकिन मन से उनके साथ नहीं। उसके लिए सिर्फ अटेंशन दें। जब तक हिम्मत ना रख पांव नहीं रखा है, जब तक हिम्मत ना रख पांव नहीं रखा है तो ऊंची मंजिल लगेगी, लेकिन अगर पांव रखेंगे, जब तक हिम्मत नहीं रखी है, हिम्मत का पांव नहीं रखा है, ऊंची मंजिल नहीं लगेगी। ऊंची मंजिल लगेगी अगर पांव रखेंगे तो लिफ्ट की तरह ऊंचे पहुंच जाएंगे। हिम्मत रखो तो चढ़ाई भी लिफ्ट बन जाएगी। तो हिम्मत का पांव रखो, कर सकते हो। सिर्फ लोक लाज का त्याग, सुनिए ध्यान से, अंडरलाइन कर लीजिए, डायरी पर लिख लीजिए, लोक लाज का त्याग। दुनिया की विचारधाराओं पर नहीं चलना हमें, भगवान जो कहता है वो भी दुनिया में ही चलना सिखाता है, लेकिन साथ में वापस घर जाने की तैयारी भी कराता है। तो भगवान जैसे कहता है दुनिया में रहो, उसके श्रीमत अनुसार रहना है। लोक लाज का त्याग, बेटा क्या कहेगा, बहू क्या कहेगी, फलाना क्या कहेगा, लोक लाज का त्याग और हिम्मत की धारणा चाहिए। एक दो का सहयोग भी लिफ्ट है। जैसे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का सहयोग मिल रहा, आप हमें सहयोग दे रहे, हम आपको दे रहे हैं। परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन अपनी स्थिति पावरफुल चाहिए। फिर जैसा समय वैसा तरीका भी टच होगा। बाबा टच करेगा, अगर बाबा का हाथ पकड़ा है तो बाबा आपको चलना बताएगा। अगर समय प्रमाण युक्ति नहीं आती है, सुनिएगा सभी ध्यान से, जिनको दुविधाएं होती हैं, जिनको दुविधाएं होती हैं जीवन में, हर बात पे प्रश्न पूछते हैं, सुनिए बड़े ध्यान से। अगर समय प्रमाण युक्ति नहीं आती, यदि आपको टच नहीं हो रही, समय प्रमाण जवाब नहीं आ रहा, चाहे आपके जीवन की परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर आपको परिस्थिति समाधान टच नहीं हो रहा, तो समझना चाहिए कि योग बल नहीं है। जो कंफ्यूज होते हैं तो समझो योग बल नहीं है। योग युक्त है तो मदद जरूर मिलेगी। आपको एक सेकंड में याद आएगा कहीं भी है, वैसे तो निरंतर रहेगा, वरना परिस्थिति आते ही एक सेकंड में याद आएगा, साथी कौन है, तू चिंता क्यों करती है, जिम्मेवार वो है। लेकिन जैसे ही बात होती है, बिना बात के तो बोलते हैं, भाई बाबा बैठा है, बाबा संभालेगा, लेकिन जब बात आती है
तो फिर लगता है शायद बाबा से अच्छा तो मैं संभाल लूंगी। आदत पड़ी है इसलिए सोचना शुरू कर देते हैं। वैसे ठीक था, अभ्यास चल रहा था, खुश थे, लेकिन जैसी बात आई, जैसी कोई डर आया, जैसी कोई जिम्मेवारी आई, तो फिर चलना शुरू हो जाता है। आगे ध्यान से सुनिए, बाबा ने कहा, जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं, अभी जब हम ये सुनाते हैं मुरली, तो फिर पूछेंगे, भाई साहब ये भेजना जरा, कौन सी तारीख की मुरली? भगवान की मुरली कोई भी पढ़ लीजिए, केवल विधि से पढ़ लीजिए, आपकी स्थिति बदल जाएगी। विधि से पढ़िए, मुरली वही है, चाहे इस संडे की पढ़ लीजिए आप, पर विधि से पढ़िए। ये भगवान के महावाक्य हैं, जैसे वेद शास्त्र कैसे विधि से पढ़े जाते हैं, चलते फिरते नहीं पढ़े जाते, हो चलते फिरते नावल पढ़ी जाती हैं, फिल्में देखी जाती हैं, उनको विधि से बैठ के पढ़ा जाता है, पाठ रखे जाते हैं उनके, इसीलिए अव्यक्त पाठ्यक्रम नाम रखा है। ये पाठ है, ये सिलेबस है हमारा। आगे सुनो ध्यान से, जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं, उनके पुरुषार्थ में इतनी पावर रहती है, जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं, उनके पुरुषार्थ में इतनी पावर रहती है, ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। भगवानुवाच, ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए, अनेक तरफ लगाव हैं, फिर माया की अग्नि भी लग जाती है, परंतु लगाव नहीं होना चाहिए, लगाव नहीं होना चाहिए। सुन रही है आत्मा? बोल रहा है परमात्मा, लगाव का करो खात्मा। क्यों नहीं दूर होता लगाव? मालूम है, वर्षों से कोशिश कर रहे, क्यों नहीं दूर होता? क्योंकि भगवान के महावाक्य से जो लगाव होना चाहिए, वो लगाव महावाक्य से नहीं। भगवान बोल रहा है, लगाव नहीं होना चाहिए। फर्ज तो निभाना है, लेकिन उसमें लगाव नहीं हो। कारण नहीं बताओ, दृढ़ता की कमी या इसकी कमी, अब सिर्फ करके दिखाओ। लगाव नहीं होना चाहिए तो बस नहीं होना चाहिए। डॉक्टर जो होता है वो सिर्फ कारण नहीं बताता, डॉक्टर उसकी दवाई देता है। कारण तो इतना सा बताता है, थोड़ी सी देर बताता है, दवाई का कोर्स लंबा जाता है। हमने कारणों पर ही जिंदगी बिता दी, इसलिए नहीं होता, उस लिए नहीं होता, इस कारण नहीं होता, उस कारण नहीं होता, कारण स्वरूप बन गए हैं, निवारण स्वरूप नहीं। लगाव नहीं होना चाहिए, बस उसी समय प्रतिज्ञा, जिनका दिल का प्यार होगा ना बाबा से, झंडा उठा के बोलते हैं ना हम, मेरा तो श्री बाबा दूसरा ना कोई, अगर दिल का सच्चा प्यार भगवान से है तो किसी आत्मा से लगाव नहीं हो सकता। कोई मरे कोई जिए, अम्मा मरे तो हलवा खा, अब्बा मरे तो हलवा।
केवल अपना फर्ज निभा, अम्मा मरे तो हलवा खा, अब्बा मरे तो हलवा खा, जिसका दिल चाहे जहां मर्जी जा, अम्मा मरे तो हलवा खा, अब्बा मरे तो हलवा खा। हे आत्मा तू परम धाम की तरफ जा, लगाओ नहीं, चेक करो, छोटी सी बात आती है सभी का नहीं मेजॉरिटी का मन हिल जाता है, छोटी सी बात। तो बाबा ने कहा लगाव नहीं होना चाहिए, ऐसा पावरफुल रहना है जो औरों के आगे एग्जाम्पल हो, जो एग्जाम्पल बनते हैं वह एग्जामिन में पास होते, एग्जाम में देने के लिए एग्जाम्पल बनो, जो सभी देखें कि ये कैसे नवीनता में आ गए हैं, कैसे बन गए, ऐसे बदल गए हैं, ऐसे सर्विसेबल बनना है। चलिए महसूस करेंगे, अब आगे पढ़ते जाएंगे तो डाइजेस्ट नहीं होगी, ज्यादा खाने से घी भी खाते हैं दौपिक में तो एक दो चम्मच देते हैं, आधा टीन सीधा नहीं खिला देते, किलो आधा किलो, क्योंकि और ही गड़बड़ हो जाए। ईश्वरीय महावाक्य भी अपार बल देते हैं, शक्ति महसूस हो रही, अभी जवाब दे सकते हैं, फिर भी पास हो गए चैट वाले मैटर में, बहुत अच्छा है। शक्ति महसूस हो रही, महावाक्य शक्ति दे रहे, अभी बैठेंगे पांच मिनट, फील करेंगे। चलो बैठो, फिर महसूस हो रही है तो बैठिए, इसी को फील कीजिए, जो भी सुना है उसको फिर से भीतर लेके जाएंगे और अंदर दिल की गहराई में लेके जाएंगे, शाम को इसका और प्रैक्टिस करेंगे। चलो बैठ जाओ, सभी बाबा को अपना हाथ दे दो, समय की परख देखो, समय को देखो और स्वयं को देखो, समय को देखो स्वयं को देखो, थोड़ा सा टाइम रह गया, अपने मन से पूछो खुद ही, टाइम कितना है, पुरुषार्थ कितना है, टाइम कितना है, पुरुषार्थ कितना है,
समय कम है, पुरुषार्थ ज्यादा है, लेकिन घबराना नहीं, भगवान का वायदा है। स्नेही को स्नेह की ताकत मिलती जरूर, ये ड्रामा का कायदा है। समय कम है, पुरुषार्थ ज्यादा है, भगवान ने तुमसे किया वायदा है। स्नेही को स्नेही की ताकत मिलती है, ये फायदा है। मन की गहराइयों में पड़ी हुई सोई हुई शक्तियों को जगाओ। उठो हे मेरी शक्तियों, उठो, अब कुछ कर दिखाओ। एक सेकंड भी ना गंवाओ। उठो, बहुत सो लिए, अब कुछ कार्य कर दिखाएं। सर्वशक्तिवान साथ है, फिर कुछ मत सुनाओ, ये बात है वो बात है, बस ये कहो सर्वशक्तिवान साथ है, ये फील करो। जितना कमियों को फील करोगे कमी हावी हो जाएंगी, भगवान का साथ फील करोगे विजयी हो जाओ। अब प्रतिज्ञा करो, क्या फील किया और क्या प्रतिज्ञा करते हो, अब लिख सकते हो चैट, अब हमें कम्युनिकेट हो जाएगा। क्या फील किया आज की मुरली में और क्या संकल्प लिया। सिर्फ क्लास की महिमा नहीं चाहिए मीठे भाई बहनों, आपके संकल्प चाहिए। आपका संकल्प पावरफुल, वो परिवर्तन करेगा। हिम्मत के संकल्प लिख के दिखाओ।
तो अभी से लेकर कल तक शाम तक भी शाम को 5 बजे अव्यक्त क्लास रहेगा। 4 बजे भी क्लास है, आज 4 बजे सिरसा का क्लास है, उसका भी लिंक हो सकता है भेजें। नहीं तो पीसफुल माइंड ब्लिसफुल लाइफ चैनल है, पीसफुल माइंड ब्लिसफुल लाइफ चैनल पर लाइव जाएंगे तो आ जाएंगे। 4 बजे से भी है, 5 बजे अव्यक्त आवर है, चलिए बहुत सुंदर। तो अव्यक्त पाठ अपना सिलेबस जो पूरा हो रहा है, अच्छा लग रहा है सभी को, आपकी अटेंडेंस ही बता रही है अच्छा लग रहा है। और भी अपने बीके भाई बहनों को हम सिखाते चलें और शक्तिशाली बने। विश्व का उद्धार करना है इसलिए पूरी अव्यक्त सेना तैयार करनी है। ठीक है जी, आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया करेंगे सभी, बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।